14th सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक युद्ध चल रहा था जिसे 100 ईयर वॉर भी कहते हैं। फ्रांस और इंग्लैंड के राजा दोनों ही फ्रांस की राजगद्दी पे अधिकार जमाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। 100 ईयर ऑफ वॉर की शुरुआत 1337 में हुई थी और लगभग सभी लड़ाई फ्रांस में हुई और इंग्लैंड की सेना ने फ्रांस की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया। जॉन ऑफ आर्क ने इस युद्ध के दौरान एक अहम भूमिका निभाई जिसकी वजह से उन्हें फ्रांस की नायिका भी माना जाता है। लगभग पूरा उत्तरी फ्रांस और दक्षिण पश्चिम का कुछ हिस्सा इंग्लैंड के नियंत्रण में था। 1412 में जॉन ऑफ आर्क का जन्म पूर्वी फ्रांस के एक गांव डॉमरेमी में हुआ जो इंग्लैंड के नियंत्रण वाली जमीनों से घिरा हुआ था और फ्रांस के राजा के प्रति वफादार था। जॉन के बचपन के दौरान कई बार उनके गांव पे हमला हुआ और एक बार इंग्लैंड की सेना ने उनके गांव को पूरी तरह जला दिया। जब वह 13 वर्ष की थी तब जॉन के सपनों में उसे कुछ आकृतियां दिखने लगी जिसे उसने सेंट माइकल, सेंट कैथरीन और सेंट मार्गरेट के रूप में पहचाना जो उसे इंग्लैंड की आर्मी को फ्रांस से बाहर निकलवाने और फ्रांस के राजकुमार को सारे फ्रांस का राजा घोषित करने के लिए उकसा रही थी। इन सपनों से प्रेरित होकर 16 वर्ष की आयु में जॉन नजदीक के शहर के फ्रेंच आर्मी कमांडर से मिलने गई और उनसे रिक्वेस्ट की कि वह उन्हें कुछ सैनिक दे दे जो उन्हें चिनॉन में फ्रांसीसी रॉयल कोर्ट तक ले जाए जहां फ्रांस के राजकुमार रहते थे, लेकिन फ्रेंच कमांडर ने उसकी बात मानने से मना कर दिया। लेकिन जॉन ने हार नहीं मानी और कुछ दिन बाद वो और भविष्यवाणी की कि फ्रांस की सेना को ऑर्लियन की लड़ाई में काफी नुकसान पहुंचेगा। यह बात कुछ ही दिनों में सच साबित हो गई। जब इस बात का पता कमांडर को चला तो उसने जॉन को चिनॉन तक जाने के लिए कुछ सैनिक दे दिए। जॉन एक पुरुष सैनिक की वर्दी में दुश्मनों से बचते हुए चिनॉन के रॉयल कोर्ट तक पहुंच गई। कोर्ट में पहुंचने के बाद जॉन राजकुमार से मिली और एक निजी मुलाकात के बाद उसने राजकुमार का भरोसा जीत लिया। उस समय फ्रांस ऑर्लियंस में चल रही युद्ध में भाग लेने के लिए एक नई सेना भेजने की योजना बना रहे थे। जॉन ने सैनिकों के साथ यात्रा करने और लड़ने की अनुमति मांगी जो शाही सरकार द्वारा प्रदान कर दी गई। चिनॉन की लोगों ने जॉन को कवच, घोड़ा, तलवार, बैनर और युद्ध में उपयोग की जाने वाली अन्य वस्तुएं दान में दी। वर्षों से एक के बाद एक अपमानजनक हार के कारण फ्रांस के सैनिकों का मनोबल टूट गया था। सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जॉन ने लंबे समय से चल रहे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष को एक धार्मिक युद्ध का रूप दे दिया। जब जॉन अपनी सेना लेकर ऑर्लियन तक पहुंची तब तक इंग्लैंड की सेना ने ऑर्लियन को चारों ओर से घेर लिया था और एक छोटी सी फ्रेंच सेना ही ऑर्लियन की रक्षा कर रही थी। इंग्लैंड की सेना का घेरा तोड़कर जॉन ऑर्लियन में घुस गई और फ्रांस में फंसे हुए सैनिकों को खाने पीने की सामग्री पहुंचाई। उस समय ऑर्लियन की घेराबंदी के लिए इंग्लैंड की सेना ने 3 टेम्पररी फोर्ट बनाए थे। जॉन ने निर्णय लिया कि फ्रांस की सेना उसके नेतृत्व में इन फोर्ट पर हमला करेगी। अगले ही दिन जॉन ने सबसे कमजोर फोर्ट पर हमला किया और कुछ ही घंटों में उसे जीत लिया। अपने सैनिकों को रेस्ट देने के बजाय जॉन ने अगले ही दिन दूसरे फोर्ट पर हमला किया और उसे भी जीत लिया। इसके अगले दिन जॉन ने तीसरे और सबसे शक्तिशाली फोर्ट पर हमला किया, लेकिन इस हमले के दौरान जॉन की गर्दन और कंधे के बीच में एक तीर लगने की वजह से वो बुरी तरह घायल हो गई और हमले को रोक दिया गया। अगले दिन अपने घाव की परवाह ना करते हुए जॉन ने अपनी सेना को दोबारा हमला करने के लिए प्रेरित किया और कुछ ही घंटों में इस फोर्ट पे भी कब्जा कर लिया गया। अगले ही दिन इंग्लैंड की सेना ऑर्लियन से पीछे हट गई और घेराबंदी खत्म कर दी गई। इन सफलताओं से फ्रांस के सैनिक तो बहुत खुश थे, लेकिन इंग्लैंड के सैनिकों के लिए 19 वर्ष की जॉन की जीत इस बात का प्रमाण थी कि जॉन की अंदर किसी शैतानी शक्ति का वास था। फ्रांस की सेना के अन्य कमांडर ऑर्लियंस में जॉन के प्रदर्शन से बहुत प्रभावित हुए और वो भी उसके समर्थक बन गए। ऑर्लियन में हुई अचानक जीत ने जॉन और फ्रांस के सैनिकों का मनोबल बढ़ा दिया और वो और हमले करने की मांग करने लगे। जॉन का अगला निशाना रीम्स था जहाँ कई सौ सालों से फ्रांस के राजा की ताजपोशी होती थी। जल्द ही जॉन को अपनी कार्रवाई के लिए शाही अनुमति मिल गई। जॉन ने अपनी आर्मी ली और रीम्स की तरफ कूच किया, लेकिन रीम्स के रास्ते में ही पटे नामक जगह पर इंग्लैंड की सेना उसका मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी थी। दोनों सेनाएं पटे गांव के दक्षिण पश्चिम में टकरा गईं।
इस युद्ध में फ्रांस की सेना ने अंग्रेजी सेना को नष्ट कर दिया और उसके अधिकांश कमांडर को मार दिया या कैद कर लिया। इसके बाद जोएन ने रीम्स पे फिर से कब्जा कर लिया, जहां जल्द ही फ्रांस के राजकुमार का राज अभिषेक हुआ और इसके बाद उन्हें किंग चार्ल्स द सेवेंथ के नाम से जाना गया। किंग चार्ल्स ने जोएन और उसके परिवार को जोएन की सफलताओं के लिए ऊंची उपाधि और इनाम दिया। जोएन यहीं रुकना नहीं चाहती थी और उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा। इसके 6 महीने बाद मई 1430 में जब जोएन कॉम्पेंग में लड़ाई लड़ रही थी, तब इंग्लैंड के एक सहयोगी बर्गंडियों की सेनाओं ने जोएन की सेना को चालाकी से घेर लिया और जोएन को पकड़ के कैद कर लिया। बाद में बर्गंडियों ने जोएन को इंग्लैंड की सेना के हवाले कर दिया। इसके कुछ महीने बाद इंग्लैंड के पादरियों ने जोएन के खिलाफ शैतान होने का मुकदमा चलाया। जल्द ही पादरियों ने उसे दोषी घोषित कर दिया और उसे 30 मई 1431 को जिंदा जला दिया गया। अपनी मृत्यु के समय जोएन लगभग 19 वर्ष की थी। जोएन की मृत्यु ने फ्रांस के सैनिकों को अपना संघर्ष जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और कुछ ही वर्षों में उन्होंने इंग्लैंड की सेना को फ्रांस से खदेड़ के बाहर निकाल दिया। जोएन की मृत्यु के 25 साल बाद पोप कैलिटस ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उन्हें निर्दोष घोषित करते हुए एक शहीद की उपाधि दी। आज जोएन ऑफ आर्क फ्रांस के 9 संरक्षक संतों में से एक हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।